So India, best के international test में इटली का dance style mime perform करने आ रही है, जिनकी fans की गिनती का नहीं कोई end है, और जो नोर्वे की just friend है, कैलिंग फॉन्ग वेस्ट बंगाल से शुष्मिता तमन और इनके कोरियोग्राफर शुभ्रनिल फॉर। आपके पास वक्त बहुत कम है, आप अपना कीमती वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल बिछाओ कदम तुम जहां जहां रखो जमीन को आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो और वेरी नाइस तितलियों के पीछे भागूं मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं जितने खुशबुएं बाग में मिले राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो अगर तुम कहो एक्ट इतना प्यारा था आई थिंक इट विल बी अनफेयर इफ आई डोंट स्टैंड एंड टॉक टू दीस टू थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच वो एंड ना वो एंड ने मेरे को थोड़ा सा झंझोड़ दिया है सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर माई सेल्फ राइट नाउ आज इस मंच पे बेस्ट का इंटरनेशनल टेस्ट हो रहा है 90s के गाने हो रहे हैं लेकिन ये गाने को इस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे मैंने सोचा नहीं था इट्स Indescribable what you have done today. वो टीवी वाला मोमेंट मैं कोई ऐसा गीत गाऊं
के आरज़ू जगा, वो जुगनू वाला मोमेंट। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। वो पूरा चंक जो स्टेप्स पे उतरते हुए वायलिन के पीस पे किया, that was outstanding choreography. टेक्निक वेक्निक सब था, लेकिन एक्सप्रेशन और इमोशन क्या था? Subtly done, beautifully done. हम तीनों में से अगर किसी ने बहुत सख्त सख्ती से पेश आया आपके एक्ट्स के लिए या आपके फीडबैक के लिए, तो I would say I am the one. मैं बहुत हार्श था आपके साथ, because I felt कि डांसिंग में आप बहुत स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इमोशन के जरिए. खराज आपने एक ऐसा एक्ट चूज करा जिसमें इट्स ऑल अबाउट इमोशन. दुनिया का सबसे नंबर वन एक्टर इन द वर्ल्ड इज यू नो हू, चार्ली चैपलिन. और वो क्या करता था? माइम. आज आपने उसकी याद दिला दी. थैंक यू सो मच सर. हैट्स ऑफ, रिस्पेक्ट टू यू वंस अगेन. सुष्मिता, मैं पूछना चाहती हूँ, कितना डिफिकल्ट था ये करना? मैम, मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि सब कुछ एक कैरेक्टर में आना और एक्सप्रेशंस पे वर्क करना. फर्स्ट डे जब रिहर्सल स्टार्ट हुआ तो मुझे बोला कि चेहरा मतलब इतना बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब लाउड लाउड दिखाना पड़ेगा, हंस भी रहे तो इतना बड़ा हंसना पड़ेगा, रो भी रहे तो इतना ज़्यादा बड़ा. तो जब मैं मिरर पर देख के कर रही थी, मैं खुद को देख के बहुत तो शर्म सा आ रहा था. तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ भी करो, ये चाहिए चाहिए, कैसे भी करो. पहले तो मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा सा डांट भी पड़ा था. एक्चुअली मैं डांटता नहीं हूँ, बहुत कम डांटता हूँ, बट इस हफ्ते मैंने किया थोड़ा सा वैसा, क्योंकि मेरे को सर की बात याद है कि सर ने बोला था कि यहाँ से काम करना पड़ेगा, तो मैं जानबूझ के माइम चुना. बट सुष्मिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस हफ्ते, क्योंकि उसके लिए क्योंकि नया था ये स्टाइल, तो उसको मैं कभी नहीं देखा चुपचाप बैठी है. वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन में बात कर रही थी, मतलब खाने भी जाती तो ऐसे जाती थी, वो आती भी थी ऐसी आती थी, तो वो कैरेक्टर में घुसा हुआ था पूरा टाइम. हाँ. पूरा ये हुई जब दिखाओ तो खाना कैसे खाती थी? इसे कहते हैं डेडिकेशन. राइट राइट मैम. मैं लेकिन मैम अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, बट मैं बहुत ज़्यादा ही कितना वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे सुब्रनी सर मिला है. क्योंकि मैम लास्ट वीक से मुझे ऐसे हो रहा था कि क्योंकि मुझे पता है जैसे सीजन वन में उनका हमेशा लाइक स्कोरिंग भी 30-30-30-30 ऐसे होता था, है ना, और मेरा इस नहीं हो पा रहा था. इनके लिए बहुत बुरा लग रहा, उनका था 100% दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, बट मेरे से नहीं हो रहा था. लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर अभी जाके आज थोड़ा मैं खुश हूँ और इनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था, 30 मिल गया है आपको, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जोरदार तालियां हो जाए. के डबल टेस्ट में एक साथ आ रहे हैं शिवम वानखड़े, हंसवी टोंग और इनके कोरियोग्राफर्स सोनाली कर और अनुराधा अयंगर. एक बार जोरदार ताला हो जाए. जजेस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी. आज हरिद्वार से कुछ स्पेशल लोग आए हैं, मैं बहुत क्लोज हूँ इन सबके. दे आर प्योर सोल और मैं हमेशा हर फेस्टिवल पे या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है उससे पहले मैं हमेशा उनके घर जाती हूँ आशीर्वाद लेने. तो आज भी चाहती हूँ कि इस शुभ कार्य को करने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लूँ. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को आदेश देकर 14 साल के अपने वनवास पर निकल पड़े.
और उन्हें अलविदा कहकर सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया, सिवाय कुछ किन्नरों के। इन सभी किन्नरों ने अयोध्या के मुख्य द्वार पर ही भगवान श्री राम का इंतजार किया। इसी इंतजार में 14 साल बीत गए और आज कितनी खुशी का दिन है, लेकिन इन 14 सालों में वनवास में न जाने क्या क्या हुआ होगा। प्रभु, इस द्वार पर हमने आपकी 14 साल प्रतीक्षा की। आज आपको अपने समक्ष पाकर हम अत्यंत खुश हैं। लेकिन आप सब अपने घर क्यों नहीं गए? सभी अयोध्या वासियों से मेरी विनती है कि जब हम अपने वनवास की ओर प्रस्थान करें तो कोई भी स्त्री या पुरुष हमारे पीछे ना आए और अपने अपने घर वापस चले जाएं। प्रभु, हमने आपकी आज्ञा का मान रखा, लेकिन ना ही हम स्त्री हैं, ना ही पुरुष। इसीलिए हमने अयोध्या के मुख्य द्वार पर ही आपका इंतजार करना उचित समझा। आपकी श्रद्धा ने हमें भावुक कर दिया, इसीलिए हम आपको यह वरदान देते हैं कि आज से आप आशीर्वाद देकर किसी की भी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं।
ये जो हमारे पुराण के साथ जुड़ी जो कहानी आपने दर्शाया वो सो ब्यूटिफुल। अनुराधा एंड सोनाली, जो आपने काम करा है इन दोनों बच्चों पर, आई एम श्योर इट मस्ट हैव नॉट बीन इजी। आई थॉट दिस वाज सो ब्यूटीफुल, स्पेशली द सेक्शन जो बाद में नीचे आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम सीरियसली दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। ये बनता है आपके लिए यार, आप सबके लिए। वेल डन, बाय बाय। Superb. ये क्राउन भी बनता है फॉर बीइंग सो अमेजिंग, ब्यूटिफुली डन। गीता मां, आप क्या कहेंगे? बंद वैसा वाला परफॉर्मेंस है ये। मेरे लिए ये मैं कहूंगी कि ये तूफान से भी ऊपर था ये परफॉर्मेंस। तूफान परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। लव यू, लव यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को मंच पे बुलाना चाहूंगी। आप आना चाहेंगे प्लीज? मेरा नाम मोनिका है और मैं एक छोटे से शहर हरिद्वार से हूँ, ज्वालापुर से जी। और हंसवी जब बहुत छोटी थी तब से मैं हंसवी के जानती हूँ। हंसवी हमेशा स्टेज में परफॉर्म किया करती थी, स्कूल में परफॉर्म किया करती थी। कुछ लोग समाज के हमारी कम्युनिटी को एक हीन भावना से देखते हैं, तो वो हंसवी ने उसके लिए ये एक्ट किया। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमारे कल्चर को आप लोगों ने याद दिलाया। आपको सबको महाकाल खुश रखे। हंसवी मेरी बेटी है, बेटी से भी बढ़ के है। जो हमने एक दिल से रिश्ता बनाया था कई साल पहले, वो रिश्ता आज तक हंसवी निभा पा रही है। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी हंसवी की नजर उतारना चाहती हूँ। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूँ सब जो चाहे तू। एक बार जोरदार ताला हो जाए हमारे परफॉर्मेंस के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस रॉकिंग परफॉर्मेंस। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।